हाँ तो मित्रों, हाउ टू डिसाइड डिग्री ऑफ अल्कोहल, ये हमारा नया आर्टिकल है। हमने अभी तक दो आर्टिकल पढ़ चुके हैं, हाउ टू डिसाइड डिग्री ऑफ कार्बन, सेकेंड आर्टिकल हाउ टू डिसाइड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द थर्ड आर्टिकल हाउ टू डिसाइड डिग्री ऑफ अल्कोहल। सेम थ्योरी, सेम फिनोमिना, मीन्स बस थोड़ा सा कंसेप्ट लैंग्वेज में ये रहेगा कि हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन बोल रहे थे, यहाँ हम OH ग्रुप बोलेंगे। सो हाउ कैन वी डिसाइड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री अल्कोहल, कैसे बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल भी बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप अटैच टू 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है, जिस कार्बन से OH जुड़ रहा है वो OH वही डिग्री कहलाता है जिससे, जो डिग्री कार्बन की है। अगेन डेफिनेशंस, द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू, डायरेक्टली अटैच टू 1 डिग्री कार्बन कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल यानी इसकी पहचान भी उसके कार्बन से होती है, खुद से कोई पहचान नहीं है। जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ेगा वो इसका वही डिग्री कहलाएगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा? टू डिग्री अल्कोहल यानी इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। द अल्कोहल, लिखिए डेफिनेशन, द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच 2 डिग्री कार्बन कॉल्ड 2 डिग्री अल्कोहल। सेम पॉइंट, सेम कंसेप्ट्स 3 डिग्री अल्कोहल के लिए भी अप्लाई करेंगे हम, यानी इसको हम बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। द अल्कोहल, द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही हम 4 डिग्री अल्कोहल के लिए भी बात कर सकते हैं। क्या रहेगी डेफिनेशंस? अल्कोहल इन विच OH ग्रुप अटैच टू 4 डिग्री कार्बन कॉल्ड 4 डिग्री अल्कोहल और क्वाड्रेटरी अल्कोहल। तो वापिस मैं स्टार्ट करता हूं, 4 डिग्री अल्कोहल। क्वाड्रनरी अल्कोहल 4 डिग्री अल्कोहल, सेम डेफिनेशन, सेम कंसेप्ट डेफिनेशन। द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड 4 डिग्री कार्बन कॉल्ड
फोर डिग्री अल्कोहल। तो हम कुछ एग्जांपल करते हैं, आप बताइए कौन सा अल्कोहल कौन सा डिग्री का है। तो एग्जांपल ये, फाइंड डिग्री ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, एंड टेंथ। देखिए ये OH सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, यानी ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, वन डिग्री। आप पहले खुद देख लीजिए, टेंथ को मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, ये मैंने ले लिया CH3OH। हाँ, तो ये कार्बन कौन सा डिग्री का है, वन डिग्री का, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वन डिग्री का है, तो इसका मतलब ये अल्कोहल भी कितना होगा, वन डिग्री। लिखिए आप, ये हो जाएगा वन डिग्री अल्कोहल। कार्बन की डिग्री से ही हम OH की डिग्री पता लगाएंगे, ये कौन सा होगा, टू डिग्री, ये कौन सा होगा हमारे लिए, थ्री डिग्री। नहीं, ध्यान से देखिए, ये कार्बन सिर्फ दो ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा होगा, टू डिग्री। हमें अल्कोहल की डिग्री बतानी है, आपके दिमाग में हो रहा होगा कि कार्बन की बताएं या OH की बताएं, बिल्कुल सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा डिग्री है, वन, वन टू थ्री, थ्री डिग्री कार्बन है तो थ्री डिग्री ही होगा ये। ये कौन सा होगा, वन टू थ्री, थ्री डिग्री ही अल्कोहल होगा। क्या फोर डिग्री हो सकता है, नहीं। तो मैंने यहां पर लिखा था फोर डिग्री क्वाड्रेंटली अल्कोहल, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। नेक्स्ट, क्या यहां पर वन टू कितने कार्बन है हमारे पास, दो, तो क्या टू डिग्री अल्कोहल है, हाँ। ये कौन सा है अल्कोहल है हमारे पास, वन टू थ्री, थ्री डिग्री अल्कोहल, यस। ये कौन सा होगा, सिर्फ वन डिग्री, ये कौन सा होगा, वन टू थ्री, थ्री डिग्री। और ये कौन सा होगा, क्योंकि ये तो किसी और कार्बन से जुड़ ही नहीं रहा, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको क्या बोलेंगे, सुपर वन डिग्री, यानी कि वन डिग्री अल्कोहल ही बोलेंगे इसको अभी हम। ध्यान से देखिए और समझिए इसको, क्या फोर डिग्री कार्बन पॉसिबल है, हाँ। लेकिन क्या फोर डिग्री अल्कोहल पॉसिबल है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जब फोर डिग्री कार्बन होता है तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा फ्री वैलेंसी नहीं होती जिससे वो OH या SH जुड़े, इसलिए मैंने यहां पर यह चीज क्रॉस कर दी है, फोर डिग्री का अल्कोहल नहीं होता। क्वाड्रेनरी नाम का कोई भी अल्कोहल आपको अगर दिखता है तो गलत है, ध्यान से देखिएगा, लिखिए इसको। हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू डिसाइड डिग्री ऑफ एमीन। हमने पहले आर्टिकल पढ़ा है हाउ टू डिसाइड डिग्री ऑफ कार्बन, फिर आर्टिकल पढ़ा हाउ टू डिसाइड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, देन हाउ टू डिसाइड डिग्री ऑफ अल्कोहल। उसी सीरीज में अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ टू डिसाइड डिग्री ऑफ एमीन। एमीन में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ग्रुप है, तो लेकिन इसकी डेफिनेशन औरों से अलग जा रही है। इससे पहले जो हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और अल्कोहल में पढ़ा था वो था डिग्री ऑफ कार्बन के बेस पे, यानी जिस डिग्री का कार्बन है उसी डिग्री का अल्कोहल, उसी डिग्री का हाइड्रोजन कहलाएगा। लेकिन एमीन में ऐसा कुछ नहीं है, एमीन की डेफिनेशन में ये रहेगा कि कितने कार्बन नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं वो उसकी डिग्री डिसाइड करेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, कितने कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ रहे हैं वो उसकी डिग्री बताएगा। तो क्या एक कार्बन जुड़ा है तो क्या बोलोगे, वन डिग्री एमीन, दो कार्बन नाइट्रोजन से जुड़े हैं तो टू डिग्री एमीन, तीन कार्बन जुड़े हुए हैं तो थ्री डिग्री एमीन। समझ में आ रहा है, क्या चार कार्बन जुड़ेंगे तीन वैलेंसी है,
आप नाइट्रोजन पे नहीं जोड़ सकते, तो इसलिए हमारे लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन होगी। और ये तीनों डिग्रियां अलग अलग हमारे लिए फंक्शन ग्रुप का काम करती है। मैं फिर आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूं, लिखते जाइए वन बाय वन। सबसे पहले 1 डिग्री एमीन इफ वन कार्बन, इफ वन कार्बन डायरेक्टली अटैच अटैच्ड टू नाइट्रोजन देन कॉल्ड वन डिग्री अमीन, वन डिग्री अमीन। यानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरा नाइट्रोजन है, सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है यानी अल्काइल फॉर्मेट में R, बाकी दो वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, तो हमारे लिए कितना क्या हो जाएगा ये 1 डिग्री अमीन। तो ये सारे एग्जाम्पल इसके 1 डिग्री अमीन के होंगे। अब बात आती है 2 डिग्री अमीन, सेम टाइप डेफिनेशन 2 डिग्री अमीन। इफ टू कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन देन कॉल्ड 2 डिग्री अमीन। और हम यहां पर बता सकते हैं 3 डिग्री अमीन के लिए भी, 3 डिग्री अमीन का भी सेम डेफिनेशंस होगा, सिमिलर डेफिनेशंस। 3 डिग्री अमीन इफ 3 कार्बन, इफ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन देन कॉल्ड 3 डिग्री अमीन। यानी हमारे लिए ये नाइट्रोजन है और इसके साथ तीन अलग अलग कार्बन या कार्बन के ग्रुप अटैच हो रहे हैं। ये तीनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, हम इसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। यानी ये हमारे लिए 3 डिग्री अमीन है। CH3, C2H5, C3H7, ये तीनों अलग अलग ग्रुप मैंने लिए हैं, तब भी ये 3 डिग्री ही होगा। ये ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं यहां 2 डिग्री के अंदर, तो एक और एक R-, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच होगी, तो ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये कोई नाइट्रोजन इस तरह से, तो ये 2 डिग्री है। तो इसी बेस पे हम एक एग्जांपल करते हैं, लिखिए एग्जांपल, फाइंड डिग्री ऑफ अमीन ए बी एंड सी। बताइए इसमें कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। ध्यान से देखिए, ये सारी अमीन 1 डिग्री है, क्यों? क्योंकि सारी अमीन में नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए, एक कार्बन से जुड़ा है, यहां पर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहां पर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इन सभी एग्जाम्पल में कार्बन का डिग्री अलग है, लेकिन नाइट्रोजन का एक ही है और वह है 1 डिग्री। दूसरा, यानी ये भी 1 डिग्री अमीन है, लिखे मेरे साथ 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये हमारा ए बी सी एग्जाम्पल, डी एग्जाम्पल। क्या ये हमारे लिए 1 डिग्री अमीन है? नहीं, ये हमारे लिए, हाँ ये भी हमारे लिए 1 डिग्री अमीन है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या ये हमारे लिए 1 डिग्री अमीन है? मेरा आंसर होगा हाँ, ये भी 1 डिग्री अमीन है। एक एग्जाम्पल और,
क्या ये हमारे लिए 1 डिग्री अमीन है? नहीं, ये हमारे लिए है 2 डिग्री अमीन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को आप देखिए और लिखिए।